तू भाई लाए नया प्रोटीन का डिब्बा, अभी उसको अनबॉक्सिंग कर रहे हैं इसकी। एसेंशियल भी भाई सस्ता वाला। तो हाँ जी गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग शुरू हो रहा है हमारे घर से, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है ये मेरा ही घर है। अभी अभी बाहर से आया हूँ मैं भाई को छोड़ के, बहुत ठंड हो रही है बाहर और ओस गिर रही है ऊपर से बढ़िया वाली, ऐसा लग रहा है बारिश की बूंदे गिर रही है हमारे ऊपर। बहुत बढ़िया ठंड है, पूरा मफलर बांधा हुआ था सिर में और मुंह पे। बाहर बहुत ठंड है भाई, बहुत ठंड है, पूरा मुंह लाल हो रखा है ठंड के मारे। फटाफट से ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ मैं और अभी थोड़ी देर में सौरभ भाई आएंगे हमारे, मोहिन भाई आएंगे, करते थोड़ी बातचीत उनसे, गाने वाने चला के बैठेंगे, ऐसी थोड़ा फन करेंगे बैठ के, दिखाऊंगा आपको। ओके मिलता हूँ मैं। तो गाइस ब्रेकफास्ट में मैं खा रहा हूँ मखाने वाली खीर फॉर माई हेल्थ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखता हूँ, सुबह के खाने से लेकर रात के खाने तक मेरी हेल्थ का पूरा ध्यान रहता है। मुझे वेट गेन करना है तो उसी हिसाब से मैं डाइट लेता हूँ, हर चीज़ उसी हिसाब से बनती है मेरे। इसको खा के मैं फिर चलता हूँ बाहर, या फिर बाहर के दोस्त आएंगे अंदर, यही हो सकता है, क्योंकि मैं अकेला तो रह नहीं सकता पूरे दिन। मैं फटाफट खा लेता हूँ इसको। हाँ जी, तो हमारे सौरभ भाई आए हैं, हमारा गेट लगा हुआ था, उनको ज़रा ऊपर लेके चलते हैं यहाँ से। आ जा ओए, आ गए सौरभ भाई, आ जा आ जा। गेट लगा के चलते हैं ऊपर यहाँ से, बंदर बहुत घूम रहे हैं आज। चलते हैं फटाफट ऊपर, सौरभ भाई से मजे लेते हैं थोड़ी देर। आप देखते तो वही हमारे मजे कितने तकड़े होते हैं सौरभ भाई के साथ डेली के, है कैसे अभी नाली में से निकल के आए झूमते नजर आ रहे। देखो एकदम माहौल क्रिएट कर रखा है। चलो तो गाइस आ गए हैं अपने घर पे अंदर, सौरभ भाई को लेके। सौरभ भाई से थोड़ी बातचीत करवा दे आपकी, ठंड लग रही है सौरभ भाई। अभी अभी जस्ट नाली में से आए तो थोड़ी चहल पहल हो गई है उनकी बॉडी में, देखो देखो। बहुत ठंड है भाई, बाहर अंदर बैठा था आराम से, क्यों आ गया इतनी ठंड में। आज नहा लेना चाहिए यार गुलाटी के। हाँ क्या हुआ? हाँ बोल। अरे चलते चलते गाना बंद होगा बहन का लड़ा। तू मेरा भाई नहीं है। गाने मत चल रही है भाई, ब्लॉग में कॉपीराइट आ जाता है गाने चलाते हैं। आ गया मेरे एक ब्लॉग में कॉपीराइट। संतोष राजा भाई का संतोष राजा सुन लो। आवाज आता है कैमरे के आगे आते ही। तो राजन बहुत तगड़ा सुना है। फटाफट से कुछ खा पी लेता हूँ, बहुत जोर से भूख लग रही है। तो गाइस कल मैंने यार रोटी बना खिलाई, बहुत खतरनाक, कैसी लगी? कल भाई ने रोटी बनाई थी पतली पतली एकदम मस्त। 20 साल 2 साल का एक्सपीरियंस, 2 साल का एक्सपीरियंस है भाई। उत्तराखंड रहते हैं जैसे कि पता ही है, वहाँ पे अलग रहते हैं, अकेले रहते हैं, इनको अकेला रहना बहुत ज्यादा पसंद है। अकेला रहता है
कोई जाए तो ले, हाथ दुख जाता है यार फोन पकड़ते पकड़ते तो। बुला ले मोइन को, बुला ले। दो दिन जिम नहीं गया इस हफ्ते में। जिम ना गया कल? कहाँ गया था मैं जिम? एक मंडे को भी नहीं गया था। कुछ खा लेता हूँ मैं, चलते हैं। हाँ जी, तो हम हमारे मोइन भाई आए हैं नीचे, अभी गेट लगा के आया था मैं, अब वापस से उनको लेने जाना पड़ेगा। बंदरों की वजह से हमने गेट लगा रखा, बंदर ऊपर चढ़ के आ रहे थे नीचे से, तो फटाफट से उनको लेके आता हूँ मैं। ये देखो कैसे खड़े हैं बाहर भालू, जेल में बंद हो गए। आ जा गेट लगा दे वापस, अब कोई नहीं आएगा, अब कोई नहीं है जो आएगा ऊपर। मोइन रुक यहाँ, तोड़ी है बाहर। पहले जाऊंगा सौरभ के घर, फिर वहां से जाऊंगा मोइन की दुकान पे, खा लेता हूँ पहले मैं कुछ। जी तो गाइस, सौरभ भाई को उठा लिया हमने उनके घर से, ये बैठे पीछे। इनका मुंह थोड़ा नाली में से निकल के आया अभी अभी, सही लग रहा हूँ। है सौरभ, सौरभ तो पूछे बात फालतू बोले, ऐसी बात बोल दो आवाज तो नहीं कर। चुप पे चुप बोल गया नाली में से। तू ना अपना कोई हुआ ना, जो जो लोग सुने और तेरे दीवाने हो जाए। हैं करेंगे, मोइन का इंतजार कर रहे हैं हम यहाँ खड़े होके। अपना एक डायलॉग बना बढ़िया सा, नाली नूली वाला। खाली बहुत देता है लड़का, ये हुआ हुआ ही करता रहेगा पूरे दिन। तो गाइस हमारे यहाँ की फेमस सप्लीमेंट विला आपने देखी होगी, ये हमारे तो सामने ही। विला वाले को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, फॉलो करो, लाइक करो, उससे पहले हमें करो। जो सप्लीमेंट विला यहाँ का बहुत फेमस है, वो हमारे यहाँ से ये रहा दिख रहा होगा, इसकी मेन ब्रांच है। तो गाइस ये सोनी का भैया। जी तो गाइस मैंने मोइन के भाई से पूछा मोइन कहाँ है, उसने बताया वो गया हुआ नमाज पढ़ने के लिए। तो अभी अभी उसका कॉल किया, उसका आता है मैसेज आई विल कॉल यू बैक लेटर। उसमें मेन बात यह है कि उसको आई विल कॉल यू बैक लेटर का मतलब भी पता होगा कि नहीं पता होगा। नए फोन की फंक्शन यूज कर रहा है, मोइन भाई की दुकान पे। अम्मा बड़ी गौर तो लग रही है, इसकी शक्ल भी देख लो थोड़ा मलूक लगेगा। हमारे मुंह था भाई नाली ढूंढ रहे कोने में। कोने में थोड़ी नाली सी ढूंढ रहे। क्या लेके गए? वो दो गद्दा, ये गद्दों की करते बंदे की बात चल रही है। बंदा थोड़ा मंदा है, यहाँ तक तो पैदल जाओ, तेल ना है, 10 रुपए तेल के भी तो उगाने पड़े। यार बाइक हर टाइम भुखमरी फैला रखी बाइक के लिए उन्होंने, हर टाइम ये नाली नाली यहाँ तक पैदल नहीं जा सकते। दे दे यार पैसा ज्यादा जेब में।
तो गाइस गेम में हमारे बहुत सारे पैसे पागल है थोड़ा ऐसी है। हाँ जी, तो गाइस मैं आ गया हूँ घर पे और अब हो रहा है मेरे जिम जाने का टाइम। तो मैं अपना जिम जाने से पहले प्री वर्कआउट मील रेडी कर रहा हूँ। आलू फ्राई हो रहे हैं, इनको खा के फिर अभी आधे घंटे बाद जिम जाऊंगा। इतना ये आलू थोड़े डाइजेस्ट हो जाएंगे बॉडी में। मुंह एकदम लाल हो रहा है जगह जगह से, बाहर बहुत ठंड हो रही है क्योंकि अभी बाहर से आया हूँ मैं बिल्कुल। अब इनको खा के अभी थोड़ा घूम फिर लूँ इधर उधर घर में ही, फिर जाऊंगा जिम। देखते रहना। तो गाइस शाम के बज गए 5:30 और अब मैं जा रहा हूँ जिम। ये मैंने बैग टांगा, इस बैग में मैंने अपना शेकर वगैरह रखा हुआ है सामान। और अब मैं जाऊँगा पहले चिंटू भाई के घर पे, उनको उठाऊँगा फिर हम जाएंगे जिम। अभी मिलता हूँ मैं, वेट। तो गाइस आ गए चिंटू भाई घर पे। आज भाई लेटे हुए नहीं, आज बैठे हुए। आज भाई सिर्फ दिखाई नहीं देगी क्योंकि फुलबाजी के पहना हुआ है, दिखाई दे रहा थोड़ा डोला। चले हाँ भाई चलते, 5-7 मिनट में थोड़ा खाया, चलते हैं अब जिम। शरीर की हाल कसी नहीं रहा इसका, हाल कसी भाई मैं तो। भाई लाए नया प्रोटीन का डिब्बा, अभी उसको अनबॉक्सिंग कर रहे हैं इसकी। एसेंशियल में भाई सस्ता वाला खोल दिया है नया डिब्बा। हाथों से निकल रहा है इसमें पूरा जोर। बेइज्जती हो गई भाई की। अब इसका भाई इसीलिए कमजोरी को दूर करने के लिए अंदरूनी ताकत तो खत्म हो गई, चक्कू की ताकत से एक गोला। प्रोटीन स्मेल से सो गुड। अब इसको लेके चलते जिम। ए चॉकलेट फ्लेवर है, इतने बड़े बड़े ढोले हो जाएंगे इतने बड़े बड़े भाई। बढ़िया भाई स्मेल तो, इतने बड़े बड़े ढोले हो जाएंगे भाई, इतने बड़े बड़े दिख रहे ब्लॉग में, बड़े डिब्बा है इतने बड़े ढोले भाई। यही सही खाली, यही सही, यही प्रोटीन तो है, दूसरों लाने की जरूरत भी ना पड़ेगी क्या, बस कर। हाँ जी, तो गाइस रात के 9:45 बज गए हैं। अभी खाना वाना खाया है, जिम से आ गया था मैं अभी 1 घंटे पहले, 2 घंटे पहले।